दोस्तों वीवो का ये स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो V30 SE 5G 2024 जो कि रिसेंटली मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम लोग जब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फिर इसके बाद रिलीज डेट एंड प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस टाइम टाइम मिलते रहें। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 6.67 इंचीज सुपर एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ देखने को मिलता है। अगर साथ साथ रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन्स आपको 1080x2400 के अंदर देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स के कैमरा सेक्शंस के बारे में। दोस्तों अगर कैमरा की बात की जाए तो स्मार्टफोन्स में आपको बैक एंड पर रियर कैमरास देखने को मिलते हैं। अगर मेन कैमरा की बात की जाए तो 50MP के अंदर आपको वाइड सेंसर्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको जो है 8MP के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलते हैं और साथ ही आपको जो है एक 2MP के अंदर मैक्रो लेंस और साथ में आपको एक LED फ्लैश लाइट भी जो है देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी कैमराज की। तो दोस्तों फ्रंट पर आपको जो है 16MP के अंदर फ्रंट सेल्फी कैमराज देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कैमरा फीचर्स की तो स्मार्टफोन्स में आपको LED फ्लैश, पनोरमा, HDR जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर वीडियो सपोर्टिंग की तो ये स्मार्टफोन्स 1080 पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है। अगर चिपसेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 2 जो है देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स की जो है मेमोरी कैपेसिटी के बारे में तो दोस्तों स्मार्टफोन्स में आपको जो है 1 वेरियंट्स के अंदर ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जैसा कि 8GB रैम के साथ आपको 256GB इंटरनल स्टोरेज जो है देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स के सेंसर्स के बारे में तो दोस्तों स्मार्टफोन्स में आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के बैटरी लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 5000 mAh टाइप नॉन मूवेबल जो है बैटरी वो देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको जो है 44W का एक टाइप सी चार्जिंग भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स के कलर्स की तो ये स्मार्टफोन्स आपको क्रिस्टल ब्लैक एंड लेदर पर्पल के अंदर जो है ये स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए रिलीज डेट एंड प्राइस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है 1 मई 2024 को ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। अगर इसकी जो है प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है आपको वो 250 यूरोस देखने को मिल जाएगी। इस करेंसी को आप लोग जो अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपकी करेंसी में इसकी क्या प्राइस बनती है। आई होप सो दोस्तों हमने एक जो शॉर्ट सा एक ओवरव्यू करके आपको दिखाया है इसकी आपको जो कंप्लीट A to Z समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपका कोई मजीद डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और अमेजिंग गैजेट के साथ। अपना और अपने पैरों पर रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।